फ्रेंड्स, आज के इस टॉप 10 काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग वेब सीरीज के बारे में जिन्हें रिलीज की गई है 2020 में, और ये सभी वेब सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस टॉप 10 काउंटडाउन में। नंबर 10, टीनेज बाउंटी हंटर्स। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी एक्चुअली दो बहनों की लाइफ को दिखाने की कोशिश करती है, जिसमें आप देख पाएंगे दो बहनें जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनका इंटरेस्ट कुछ और ही है। और असल में वो इंटरेस्ट क्या है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगी। सीरीज रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। नंबर 9, द गिफ्ट सीजन 2। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां पर प्रेग्नेंट औरतों की अचानक से ही मौत हो जाती है और कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, और असल में ये वारदात क्यों हो रही होती है, इसी मिस्ट्री को इस पूरे सीरीज में सॉल्व करने की कोशिश की गई है। सीरीज रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। नंबर 8, अवेक सीजन 1। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है इमा ग्रीन से, जिन्हें मार्स पर एक खतरनाक मिशन के लिए भेजा जाता है, और इमा ग्रीन उस मिशन को किस तरह कंप्लीट करती है यही दिखाई जाएगी इस पूरे सीरीज में। इवन उस मिशन को कंप्लीट करते वक्त उनके ऊपर कौन कौन सी बड़ी मुसीबतें आती है, ये भी इस सीरीज में देखने लायक है। सीरीज रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.5। नंबर 7, कोबरा काई। कहानी की शुरुआत होती है कोबरा काई से, जो कि फिर से कुछ बच्चों को तैयार करते हैं एक कराटा टूर्नामेंट के लिए, और लास्ट तक कोबरा काई अपने इस मिशन को कितना कामयाब कर पाते हैं यही दिखाई जाएगी इस पूरे सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर एंड यूट्यूब ओरिजिनल पर, और इसे अगर चाहे तो आप फ्री में यूट्यूब ओरिजिनल पर देख सकते हैं, और इस सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.8। नंबर 6, द अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 2। सीरीज की स्टोरी इस बार आपको थोड़ी यूनिक लग सकती है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही एक टाइम ट्रेवल से होती है, और इस टाइम ट्रेवल में हमारे सुपर हीरो फंस के रह जाते हैं, और आखिरकार लास्ट तक ये सभी सुपर हीरो उस टाइम ट्रेवल से बाहर निकल पाते हैं या फिर नहीं निकल पाते हैं यही दिखाई जाएगी इस पूरे सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 5, बैड ब्लड सीजन 2। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है वीटो नाम के एक क्रिमिनल से, जिसके ड्रग्स को कुछ लोग चोरी कर लेते हैं, और उन्हीं ड्रग्स को फिर से वापस लाने के लिए वीटो क्या क्या करते हैं यही दिखाई जाएगी इस पूरे सीरीज में। इवन ये लड़ाई एक पर्सनल रूप भी ले लेती है, ये भी इस सीरीज में देखने लायक है। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर, इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। नंबर 4, डर्टी जॉन सीजन 2। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, जो कि ट्रू क्राइम के ऊपर सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसे रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 3, लवक्राफ्ट कंट्री सीजन 1। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक कपल से, जिनका सामना अजीबोगरीब सुपरनेचुरल पावर से होता है, और आखिरकार इन दोनों में जीत किसकी होती है यही दिखाई जाएगी इस पूरे सीरीज में। इवन उनके साथ ही सुपरनेचुरल घटनाएं क्यों घटती है, ये भी बहुत ज्यादा मिस्ट्री क्रिएट करती है इस पूरे सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.4। नंबर 2, लूसीफर सीजन 5। दोस्तों, इस वेब सीरीज को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लूसीफर की हर एक सीजन सुपरहिट रही है, इवन दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद भी आई है। ठीक उसी तरह लूसीफर फिर से एक नया केस सॉल्व करने जा रहे हैं अपने सीजन 5 में। सीरीज रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.2। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे मेरी फेवरेट सीरीज राइज्ड बाय वुल्फ। कहानी की शुरुआत होती है दो एंड्रॉइड से, जिन्हें वर्जिन प्लैनेट में भेजा जाता है ह्यूमन चाइल्ड्स को ग्रो करने के लिए, लेकिन वहां पर जाके उनके ऊपर कौन कौन सी बड़ी मुसीबतें आती हैं यही दिखाई जाएगी इस पूरे सीरीज में। इवन एंड्रॉइड के पास्ट में बहुत सारी मिस्ट्री छुपी हुई है, वो मिस्ट्री भी रिवील की जाएगी इस पूरे सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.6। दोस्तों, इस सीरीज की फिलहाल अभी तक हिंदी डबिंग की नहीं गई है, लेकिन कुछ ही दिनों में इसकी हिंदी डबिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।